उदाहरण 16। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। हल। यदि 15 व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में, तो 15 व्यक्ति एक बटा चार काम को 40 × 1/4 दिनों में। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास 10 दिनों में। तो हमने देखा कि 15 व्यक्ति 1/4 काम को करते हैं 40 × 1/4 = 10 दिनों में। मान लो एक बटा चार काम को एक्स व्यक्ति 15 दिनों में पूरा कर लेगा, तो हम जानते हैं कि व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है व्यक्तियों की संख्या, और दिनों की संख्या। अब यहां व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 15 व्यक्ति है, 15 व्यक्ति अनुपात एक्स व्यक्ति, उसी तरह से समानानुपात हमारे पास पहली स्थिति में कितने दिन है, 15 दिन अनुपात 10 दिन, यहां पे हमारे पास 10 दिन आया। इसे हम लिखेंगे 15/x समानानुपात की जगह में बराबर 15/10, और इसे हल करेंगे अपन तो हमें प्राप्त होगा 15 × 10 = x × 15 या x = 15 × 10/15। 15 को अंश और हर से काटने पर x = हमें 10 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 10 व्यक्ति इस कार्य को चौथाई भाग को 15 दिन में कर लेंगे। अतः 10 व्यक्ति इस कार्य को चौथाई भाग को 15 दिन में पूर्ण करते हैं, तो हमारा उत्तर जो है x = 10 व्यक्ति होगा। यह इस प्रश्न का हल है। उदाहरण 17। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और
40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हल, चूंकि नल ए द्वारा 30 मिनट गलत हो गया, यहाँ मिनट गलत हो गया, बोलो इसको इतना मिटार देखे यहाँ से। चूंकि हल चूंकि नल ए द्वारा 30 मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर एक है, इसलिए एक मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/30 होगा, क्योंकि दूसरी स्थिति में चूंकि नल बी द्वारा 40 मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर एक है, इसीलिए एक मिनट में नल द्वारा टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/40 है, क्योंकि नल सी द्वारा 60 मिनट में खाली किया किया गया भाग बराबर एक है, इसीलिए एक मिनट में नल द्वारा टंकी का खाली किया भाग खाली किया गया भाग बराबर 1/60 का पक्षांतर करेंगे तो 1/60 होगा। तीनों नलों को एक साथ चालू करने पर दो नलों से टंकी में पानी जाएगा, लेकिन तीसरे नल से टंकी में पानी निकलता जाएगा, अतः एक मिनट में
टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/30 हमारा जो है पहले नल से टंकी में भर रहा है पानी धन बी नल से 1/40, ए नल से 1/30 और बी नल से 1/40 और फिर सी नल से पानी क्योंकि टंकी से बाहर निकल रहा है इसीलिए ऋण 1/60। इसके बाद जब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम आएगा 30, 40 और 60 का 120। 120 को जब हम 30 से भाग करेंगे, 120 भागी 30 तो हमें 4 प्राप्त होगा, 4 × 1 = 4 धन 120 को 40 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ऋण 120 को जब हम भाग करेंगे 60 से तो 60 के पहाड़े में 60 × 120 तो 2 उत्तर आया, 2 को 1 से गुणा किए तो 2 हुआ बराबर 4 × 3 = 7, 7 में से 2 गया तो 5/120। चूंकि 5/120 भाग भरने में लगा समय बराबर 1 मिनट है, इसीलिए पूरा एक भाग अर्थात टंकी को भरने में लगा समय बराबर 1/5/120 होगा। जब हम इसको गुणा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 120/5, जो 120 को 5 से जब हम भाग करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। तो इस तरह से 24 मिनट में पूरी टंकी को भरने में लगा समय बराबर 24 मिनट। यह इस प्रश्न का हल है।